तो यहाँ पर रियाम हेम्सवर्थ ने हेनरी कैविन को रिप्लेस कर दिए एज गैरेट ऑफ रिविया इन विचर सीजन 4। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, इसके अलावा भी काफी ज्यादा अमेजिंग अपडेट्स है बताने के। उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दिया, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हम लोग वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं ब्लैक एडम के बॉक्स ऑफिस से। इस टाइम करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस वाली मूवी ने बिजनेस कर रही है $250 मिलियन का वर्ल्ड वाइड, और अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूँ तो तब वहाँ भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रही है, और इसने यहाँ पर $111 मिलियन का बिजनेस कर लिया। तो यस, $250 मिलियन का इसने इस टाइम बिजनेस कर लिया है। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो ये यहाँ पर ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के काफ़ी ज़्यादा न्यू क्लिप्स और न्यू टीजर से रिलीज हुए हैं। उसमें हम यहाँ पर जो न्यू ब्लैक पैंथर है विच इज़ प्रोबेबली शूरी, उसका हम यहाँ पर न्यू लुक देख सकते हैं। आप लोग भी ऐसा ऐसा पास करके देख सकते हैं। यहाँ पर अगली अपडेट के बारे में बात करें, ये यहाँ पर रुपीटर नयोंगो से निकल कर आ रही है जो कि हमें ब्लैक पैंथर मूवी में देखने को मिलती है, और इन्होंने यहाँ पर ब्लैक पैंथर की रिकास्टिंग के बारे में बात की, और इन्होंने यहाँ पर यह बोला कि ब्लैक पैंथर जो है इसमें हम जो मूवी देखेंगे इसमें हमें सिर्फ जो डेथ है ये सिर्फ अब टी चला यानी कि ब्लैक पैंथर तक महदूद नहीं रहेगी, ये अब यहाँ पर चैडविक बोसमैन से भी हम इसका लिंक कर सकते हैं। यानी कि जब हम मूवी देखेंगे उसमें जब हमें ये वाली चीज़ दिखाई जाएगी तो हम रियल लाइफ वाले चैडविक बोसमैन का भी इस टी चालस की डेथ से कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर अगली अपडेट के बारे में बात करें तो ये यहाँ पर निकल कर आ रही है नेमोर की मूवी से। तो यहाँ पर जब केविन फाइगी से पूछा जाता है नेमोर की मूवी का तो इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि नेमोर की फ्यूचर एमसीयू मूवी इस पर डिपेंड करेगी कि वकांडा फॉरएवर यहाँ पर बिजनेस कितना करती है, ये कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, उसके बाद ही हमें नेमोर की कोई मूवी बनाने का हम लोग सोचेंगे। तो वैसे ये कोई स्पॉइलर तो नहीं दे दिया केविन फाइगी ने, तो लेट्स सी कि क्या होता है। यहाँ पर अगली अपडेट के बारे में बात करें तो ये भी यहाँ पर रयान कुगरल से निकल कर आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आए थे कि रयान कुगरल अवेंजर्स सीक्रेट वार्स को डायरेक्ट करने जा रहे हैं, तो एक इंटरव्यू में इनसे ये वाला सवाल खुद ही पूछा गया था। तो यहाँ पर इन्होंने इसके जवाब में ये बोला कि मैंने ऐसी चीज़ अभी तक कोई भी नहीं सुनी, मैं तो अभी सिर्फ जो है ना ब्लैक पैंथर को फिनिश करने जा रहा हूँ, इस पर मैं अभी तक काम ख़त्म करने जा रहा हूँ, यानी कि जब मूवी रिलीज़ होती है, या अभी तक अवेंजर्स सीक्रेट वार से रिलेटेड ऐसी कोई भी चीज़ मैंने नहीं सुनी। यहाँ पर अगली अपडेट के बारे में बात करिए, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पिछले दिनों मैंने आप लोगों को ये वाली अपडेट दी नहीं थी, ये काफी ज्यादा ऐसे स्पॉयलर्स आ रहे थे, वैसे स्पॉयलर नहीं मतलब आप रूमर्स कह लें कि डॉक्टर डूम ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के पोस्ट या मिड क्रेडिट सीन में देखने को मिलेंगे। अब यस, कोई मैं आप लोगों को इससे वीडियो बता रहा हूं कोई स्पॉयलर वाली चीज है नहीं, क्योंकि ये वाला रूमर बिल्कुल फॉल्स था। यहां पर इस वाली चीज को खुद एड्रेस कर दिया वकांडा फॉरएवर के प्रोड्यूसर नेट मोरे ने, जब उन्होंने इस वाली बात को कह दिया कि डॉक्टर डूम हमें कभी ब्लैक पैंथर में देखने को मिलने वाला ही नहीं था, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, मतलब हमारी कोई ऐसी इंडिकेशन ही नहीं थी, या हमने डिसाइड ही नहीं किया था कि डॉक्टर डूम को हम वकांडा फॉरएवर में रखें, ये यहां पर इनका कहना था। कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डॉक्टर डूम हमें वकांडा फॉरएवर में देखने को मिलने वाले थे इन मीडिया पोस्ट, मगर उस वाले सीन को कट कर दिया गया। अब इस बारी रूमर्स में कितनी सच्चाई है तो हमें मूवी देख के पता लगेगा, मगर एज ऑफ नाउ नेट मोरे ने इस वाली बात को कन्फर्म कर दिया कि हमारा मेन विलन नेमोर ही होने वाला था, डॉक्टर डूम कभी विलन होने ही नहीं वाला था वकांडा फॉरएवर का। यहां पर अगले अपडेट के बारे में बात करें तो यहां पर आप इस मर्ज को देख सकते हैं जहां में आयरन हार्ट का खासतौर पर जो फेस प्लेट है, फेस आर्मर, उसका एक न्यू लुक देखने को मिल सकता है। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो ये यहां पर जो कैबिन है उसका हमें यहां पर एक अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट आर्ट देखने को मिला है, जहां पर आप देख सकते हैं इसके काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट आर्ट, अनयूज कॉन्सेप्ट आर्ट यूज हुए हैं, आप इसको पास करके देख सकते हैं। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो ये यहां पर क्रिश्चियन बेल से निकल कर आ रही है, और यहां पर क्रिश्चियन बेल ने थॉर लव एंड थंडर के सेट के बारे में हवाले से बात की। उन्होंने यहां पर यह बोला कि जो थॉर लव एंड थंडर के सेट्स हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, मतलब चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल सेम लगती है। उन्होंने यहाँ पर यह बोला कि मतलब मैं एक सेट से उठ के दूसरे सेट में जाता हूँ जो पीछे ग्रीन स्क्रीन है, आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, मतलब डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते कि ये वाला सेट इससे कैसे डिफरेंट है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो सेट का एक स्टेज था उसको भी वहां से नेक्स्ट स्टेज से डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, ऐसे को इतने ज्यादा हमें सेम सेट देखने को मिले, सेम ब्लू स्क्रीन का यूज हुआ, तो ये तो अब कॉमन सी बात है, एमसीयू की मूवीज अब में काफी ज्यादा वीएफएक्स और इन चीजों का यूज होना लग गया है, विच इज नॉट अ बैड थिंग। अगली अपडेट के बारे में बात करूँ, ये यहाँ पर निकल कर आ रही है जैसी बैट से, जो कि यहाँ पर डोमिनो का करेक्टर प्ले करती है डेडपुल 2 में। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक इन एक्ट्रेस से भी बातचीत चल रही है डेडपुल 3 में रिटर्न के लिए, और मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा कूल हो जाएगा, क्योंकि जैसा डेडपुल और डोमिनो का आपस में इनकी केमिस्ट्री है, तो यस, मैं तो पर्सनली इस करेक्टर को दोबारा से जरूर देखना चाहता हूँ। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो ये यहाँ पर निकल कर आ रही है सकाल के एक्टर विल ड्यूसनर से, जो
कार का करेक्टर प्ले किया था जिन्होंने शी हल्क में। तो यहाँ पर इन्होंने भी एक BTS रिलीज़ किया जहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बिहाइंड द सीन पिक का जो कि CGI है। और यहाँ पर अगली अपडेट के बारे में बात करें तो ये यहाँ पर निकल कर आ रही है किम कार्डेशियन से, जो आप लोगों को पता होगा काफ़ी ज़्यादा फेमस मीडिया पर्सनैलिटी है। हेरोइन का सीजन चल रहा है, आज ही हेरोइन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पर इन्होंने ये जो है ये ड्रेसअप हुई है एक्स मैन की मिस्टीक के लिए। आप लोगों को पता होगा ये करेक्टर हमें जो एक्स मैन मूवीज में देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पास करके इन तस्वीरों को कि कैसे यहाँ पर ये मिस्टीक करेक्टर में बिल्कुल ड्रेस हुई है। अगर मैं पर्सनली अपना ओपिनियन दूँ तो मतलब बिल्कुल वही लग रही है 100%, मतलब ज़रा बराबर भी चेंज नहीं लग रहा, बिल्कुल हमें उसी कैरेक्टर में ये देखने को मिल रही है। यहाँ पर हेलोवीन की बात हो रही है तो यहाँ पर एक फैन ने एक स्केलेटन लेके उसको डिज़ाइन करके खुद कोंचू एक बना दिया ऐसा, मतलब स्टेज के तौर पर अपने घर के बाहर। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर उसने बिल्कुल स्केलेटन का यूज़ करके जो कि पड़े होते हैं उसको यहाँ पर एक कोंचू में तब्दील कर दिया, और बिल्कुल जो रियलिस्टिक भी लग रहा हैरोइन के लिए। तो वैसे काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना कूल मूवमेंट्स ऐसे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगली अपडेट के बारे में बात करें तो ये ह्यू जैकमैन सिंह का कह रही है, ह्यू जैकमैन ने ये बोला है कि यहाँ पर इन्होंने स्क्रिप्ट के बारे में बात की कि मैंने डेडपूल 3 की स्क्रिप्ट को पढ़ ली है और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, मगर मैं इतना बता सकता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा फन स्क्रिप्ट है, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब फन की बात है इस वाले कैरेक्टर में रिटर्न करने के लिए। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था पिछले 5 सालों में कि यार कि मैं कभी इस वाले कैरेक्टर में रिटर्न करूँगा। और यहाँ पर इन्होंने लास्ट पर नोटिस्ट ये बोला कि ये जो कैरेक्टर होने वाला है काफ़ी ज़्यादा एंग्री होने वाला है। तो यस, ये काफ़ी ज़्यादा एंग्री कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा वुल्वरीन का। यहाँ पर हम सेकंड हाफ अपडेट के बारे में बात करें तो ये आप लोगों को खुश कर देगी। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक डिज्नी वाले यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं $300 मिलियन जॉनी डेप को पायलट्स ऑफ द कैरिबियन रिटर्न के लिए। यहाँ पर जॉनी डेप के काफ़ी ज़्यादा जो नज़दीक हैं रूमर्स के मुताबिक उनसे ये वाली बात निकल कर आ रही है कि डिज्नी वाले यहाँ पर एक अपोलॉजी लेटर और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसों की ऑफर कर रहे हैं जॉनी डेप को पायलट्स ऑफ द कैरिबियन में रिटर्न करने के लिए एज जैक स्पैरो। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जॉनी डेप फिलहाल इन सब चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। तो फिलहाल रिपोर्ट्स के मुताबिक डिज्नी वाले यहाँ पर जॉनी डेप को लाना चाहते हैं पायलट्स ऑफ द कैरिबियन के लिए, ये यहाँ पर रिपोर्ट निकल कर आ रही है। तो लेट्स सी के क्या होता है, फिलहाल जो अपडेट थी मैंने आप लोगों को बता दी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बिगेस्ट और लास्ट अपडेट के बारे में, एंड विच इज़ ऑब्वियसली अ सैड न्यूज़ फॉर मी दैट हेनरी कैविल इज नो मोर गैरेट ऑफ रेविया इन विचर। यस, यहाँ पर एक अपडेट कल सुबह निकल के आती है जहाँ पर हेनरी कैविल और खुद द विचर वालों ने इस बात को कन्फर्म कर दिया कि विचर season 4 में यहाँ पर गैरेट ऑफ रेविया को प्रे करेंगे रियाम हेम्सवर्थ, हु इज द ब्रदर ऑफ क्रिस हेम्सवर्थ द थोर। तो यस, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है। और यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को अपना पर्सनली बताता हूँ, देखें मेरे लिए अगर मैं फैन पॉइंट से सोचूं, फैन के पर्सपेक्टिव से सोचूं, तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए कहते हैं ना मतलब सैडनेस की न्यूज़ थी जो कि मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा था। और अगर मैं अराउंड द वर्ल्ड बात करूं तो इस वाली चीज़ को काफ़ी ज़्यादा जो कहते हैं ना अच्छा कंसीडर नहीं किया जा रहा, लोग इस वाली चीज़ से खुश नहीं है। और मैं आप लोगों को इसकी वजह बता दूं, देखिए ये होता है, अब एक जो एक्टर है जिस कैरेक्टर में सूट हो जाता है, लाइक अगर मैं एग्जांपल के तौर पर मैं कोई रिलेट नहीं कर रहा, लाइक RDJ है आयरन मैन, अब फैन देखना चाहता है आयरन मैन को RDJ के अलावा कोई, यहाँ पर सेम एज गैरेट के साथ भी है। अब यहाँ पर हेनरी कैविल ने इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग इस पर एक कैरेक्टर को प्ले किया, इतने हाइट तक पहुँचा दिया है, अब ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा फैंस को हजम करना कि एक न्यू एक्टर गैरेट ऑफ रेविया को प्ले करे। ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक शॉकिंग न्यूज़ है। यहाँ पर इन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया, आप इस स्टेटमेंट में देख सकते हैं जहाँ पर वो यही बोले हैं कि मेरी जो जर्नी थी गैरेट ऑफ रेविया की काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर से एडवेंचर से भरी रही है, मगर अब ये यहाँ पर मैं पास कर लूँ लियाम हेम्सवर्थ को, वो इस करैक्टर को प्ले करें जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल करैक्टर स्वॉर्ड्स के साथ खेलते हो। यहाँ पर लियाम हेम्सवर्थ ने भी ये बोला इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा जो हेनरी कैविल ने जहाँ तक पहुँचा दिया है उस वाले, अब उस शूज़ को दोबारा से फिल करने का, ये यहाँ पर इनका कहना था। और बाय द वे अगर आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता होगा कि हेनरी कैविल क्यों अब प्ले नहीं करेंगे, यस बिकॉज ऑफ सुपरमैन रिटर्न, उनकी ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा अगर मैं सही बात में बोलूं तो पैसों का भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में सेंस होता है, उनको किस जगह से काफ़ी ज़्यादा पैसे मिले हैं। और ऑफकोर्स वो काफ़ी ज़्यादा शेड्यूलिंग की वजह से सुपरमैन पे ज़्यादा फोकस करना चाहते होंगे एज़ कम्पेयर टू गैरेट ऑफ रेविया, यानी कि एज़ कम्पेयर टू विचर। तो यस, ये यहाँ पर निकल कर आ रही है। और पर्सनली मेरे लिए तो अगर मैं अपनी ना भी बात करूं तो ना मैं इतना कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रियाम हेम्सवर्थ को इतनी ज़्यादा लोग हेट दें, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था उनको लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे, ऑफकोर्स इनमें उनकी क्या गलती है। और हो सकता है
इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि रियाम हेम्सवर्थ काफ़ी ज़्यादा कूल लगे गैलेट ऑफ अरेबिया में। हम लोग कुछ देखने से पहले तो कुछ कह नहीं सकते ना कि वो कैसे लगेंगे, और हो सकता है यहाँ पर जब विचर सीजन 4 को देख लें हम लोग यहाँ पर ये बातें कर रहे होंगे कि नहीं यार रियाम हेम्सवर्थ जो है ना काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है गैलेट ऑफ अरेबिया में हेनरी कैविल से भी ज़्यादा, हो सकता है हम ये वाली बात कह रहे हों। मगर यस के टू सून बोलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा सेंस आउट ऑफ सेंस वाली बात है। और यस ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा देर लगेगी इस वाली बात को डाइजेस्ट करने में कि अब यहाँ पर हेनरी कैविल मतलब गैरेट ऑफ रेविया प्ले नहीं करेंगे। जो लोग काफ़ी ज़्यादा विचल और हेनरी कैविल के फैन हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ हो सकती है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। ये अब अपडेट थी कि हेनरी कैविल अब यहाँ पर गैरेट ऑफ रेविया नहीं रहे, विचर सीजन 3 तक ही वो यहाँ पर थे, उनका यहाँ पर सफर खत्म होता है। तो बस ओवरऑल वीडियो में ये सभी तक अपने वीडियो का लाइक नहीं करा बेस कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का इस विचर न्यूज़ के बारे में क्या ख्याल है मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।